राधे राधे। आप भी जोर से बोलिए राधे राधे, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्यौहार जो हिंदू समाज में आज यानी कि 30 अगस्त को मनाया जाएगा। आप सब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये जो आप मंदिर मेरे पीछे देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर विशालकाय मनमोहक निराला ये जो मंदिर है, इसका नाम है इस्कॉन टेम्पल, जो कि नोएडा के सेक्टर 32 में है। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं। द्वारका में जब कंस का अत्याचार लोगों पर बढ़ने लगा था, तब जानकी और वासुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया था, जो विष्णु भगवान ने इनका रूप धारण किया था, जिनका नाम श्री कृष्ण भगवान के नाम पर रखा गया था, जिसने कंस का वध किया था। तो देखिए, ये तो सार था, ऊपर ऊपर बातें थी। इसके तह तक हम जाएंगे और जानेंगे कुछ पंडितों से कि कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है। लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी हम किस तरीके से मना सकते हैं, क्योंकि बहुत तरीके हैं। वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है, लोग पालकी में झूला झूलाते हैं श्री कृष्ण भगवान को, कोई भोग लगाता है, अन्य बहुत सारे तमाम तरीके हैं। लोगों से यही आज जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही यहाँ के पंडित से भी पूछेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी का हिंदू समाज में क्या महत्व है। तो चलिए आइए मेरे साथ। पूरा तैयारी तो यही है, मंदिर को डेकोरेट करना, पूरा फ्लावर से लाइटिंग, कृष्ण जी को मतलब उनकी पूरी ड्रेसिंग एकदम वैसी होनी चाहिए कि वही नजर आए और कुछ नजर ना आए। और वैसे भी वो तो ऐसे सुप्रीम पर्सनालिटी, उनके आगे कुछ नजर नहीं आता। आप देख सकते हैं आज का श्रृंगार राधे गोविंद का। श्री श्री राधे गोविंद की जय। जन्माष्टमी जो है वो बहुत ही, हमें तो ये जन्माष्टमी मनाने में, एक तरह की दिवाली जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह हम जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करते हैं। हमें बहुत ही आनंद आता है भगवान के अभिषेक करके, उनका आरती करने में, उनके लिए छप्पन भोग बनाने में। जी, हम छप्पन भोग ऑफर करते हैं, टेम्पल में भी छप्पन भोग ऑफर होगा भगवान के लिए। लोग अलग अलग बातें बताएं, हालांकि कोविड का एक दिक्कत ज़रूर बता रहे हैं कि कोविड की वजह से जितनी संख्या यहाँ होनी चाहिए थी इस मंदिर में उतनी है नहीं। हालांकि इनसे पता चला कि 56 भोग लगाया जाता है, तो किसी ने बोला कि कृष्ण जी को इतना सुंदर तरीके से सजाया जाता है कि जैसे कि कोई शादी हो।